सरकारी अलॉटमेंट है ही नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ये सारी कहानी है, सारी चीजें, कोई 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 अलॉटमेंट का कोई नाम ही नहीं है। हेडलाइन क्या लगी हुई है, इलीगल अलॉटमेंट, बेगैरत है ये। इनसे मैं काश के इससे कोई जो है वो छोटा जुमला मेरे पास मिल नहीं रहा, बेगैरत है। रेफरेंस साइन करने वाला अंधा बैठा हुआ है, उसने पढ़ा नहीं है उसको, रेफरेंस साइन करके जो है वो रेफरेंस बना रहे हैं। वो और लोग होंगे जो करप्शन करके आते हो विक्ट्री के निशान बनाते हुए, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी डिग्निटी, मेरी ऑनेस्टी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आई विल फाइट देम आउट। बेगैरत है बहुत बड़े नैब वाले। तो सर आप कानून की पासदारी करते हो, अदालत में पेश हो गए, आप मजीद क्या लाए मलिक? अदालत में तो मैंने पेश होना ही, जो भी अदालत बुलाएगी मैं जाऊंगा, मैं जो भी अदालत बुलाएगी वो जाऊंगा। लेकिन लेकिन अदालत पे तो जो इन्होंने नैब ने जमा कराया, अदालत उसी के ऊपर बुला रही है। नैब मेरे सामने खड़े होना, ये मीडिया के सामने लेकर आए, पर्चा लेकर आए। अभी मैं आपको उसकी क्रोनोलॉजी देता हूँ, उसके सारे पॉइंट देता हूँ कि उसमें कहीं से भी आप अलॉटमेंट निकल, 1982 का अलॉट हुआ है यार, मैं तो मेयर बना हूं 2005 में। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, बेगैरत मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए अपने हाथों से, मेरी ऑनेस्टी पे, मेरी डिग्निटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये सारे नैब के लोग खुद चोर हैं, डाकू हैं, बेगैरत हैं, ये पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं ये। थैंक यू।